अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी अभी बहुत ही बुरी ख़बर सऊदी अरब से आई है। जो ख़बर ये मौसूल हुई है दोस्तों, यूं ही इंटरनेट पर बवाल मच गया और लोग दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। दोस्तों, वाकया ये हुआ कि सऊदी अरब में एक बस जो उमरा करने के लिए लोग गए थे इस रमज़ान मुबारक महीने के अंदर, दोस्तों उस बस में टक्कर लगी और वो पहाड़ी से टकराई और उसके अंदर आग जनी हो गई। दोस्तों, 20 आदमी शहीद हो गए और तकरीबन 29 आदमी ज़ख्मी हो गए, जिनका ज़ेर इलाज अस्पताल के अंदर चल रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लोगों से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी कि उनका सही और बेहतरीन इलाज किया जाएगा। दोस्तों, इस रमज़ान के महीने में ये बहुत ही बुरी खबर मिली है और गमगीन कर देने वाली खबर मिली है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन शहीद होने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याबी जल्द अज़ जल्द अता फरमाएँ। दोस्तों, आप भी कमेंट करके इनके बारे में कोई लफ्ज़ ज़रूर लिखें और इनके लिए दुआएं दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।